शहर के नगली सर्किल पर जीडे कॉलेज रोड पर मत्स्य आईएएस एकेडमी की नई शाखा का शुभारंभ युवा नेता चांद किरण यादव ने किया। मत्स्य आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर प्रकाश चंद मीणा ने बताया कि यह शाखा बालिका शिक्षा को समर्पित रहेगी एवं बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह शिक्षा का केंद्र मत्स्य आईएएस एकेडमी की शाखा खोली गई है। उन्होंने बताया कि गरीब तबके के बच्चों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मत्स्य आईएएस एकेडमी द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया जाएगा। गरीब विद्यार्थियों को भी तैयारियां करवाई जाएंगी। आज मत्स्य आईएएस एकेडमी की नई शाखा का शुभारंभ किया गया, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? आज हमने मत्स्य आईएएस एकेडमी के एक ब्रांच का यहाँ एसएमडी सर्किल के पास 4 पंचवटी जेडी कॉलेज रोड अलवर में उद्घाटन किया है। इस अवसर पर विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो ब्रांच खोली है, इसका मूल उद्देश्य बच्चों की शिक्षा को ज्यादा प्रोत्साहित करना है, क्योंकि जीडी कॉलेज नजदीक है और हम ये चाहेंगे कि आने वाले समय में बच्चों के एजुकेशन पर फोकस करें और बहुत सारी बच्चियों को आईएएस आरएएस और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्रदान करने में सहयोग करें। और इस जो ब्रांच है, इसका मूल उद्देश्य ये भी है कि जो गरीब बच्चे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो फीस पे करने की कंडीशन नहीं है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप वो बच्चे पधारें, गार्जियन उनको लेकर आएं और जो भी उनकी आर्थिक स्थिति है वो पढ़ने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगी और आने वाले समय में हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके स्वर्णिम भविष्य को संवारने के लिए मत्स्य आईएएस एकेडमी हमेशा उनके साथ रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय अलवर, जय